मोहब्बत से हम अपने बात का आगाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपने बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाश करते हैं। कहीं से शोला उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। किसी कम जर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा, किसी कम जर्फ की शोला बयानी से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पोशीदा गांव को जली करता है। प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। कितना अच्छा ये काम करता है, जिक्र खैरुल अनाम करता है। ज़ुल्फ़िकार रज़ा मोहब्बत से पहले आपको सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सलाम का जवाब एक आदमी भी दे दे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप हजरत की आवाज मेरे कानों तक आएगी तो मैं समझूंगा कि आप मजबूर होकर नहीं बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में यहाँ मसरूर होकर बैठे हो। मैं दोबारा सलाम करता हूँ और अंदाजा लगाना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि आप सुनने के मूड में हैं या सोने के मूड में हैं या इश्क रसूल में जाकर सोना बनाने के मूड में हैं। मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह चंदनपुर के हजरत सलाम का जवाब देना जानते हैं माशाल्लाह। और भी हमारे मेहमान खाबी मेहमान का हजरत भी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। आप हजरत लाइक के मुबारकबाद हैं हजरत मोहतरम, ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहेगा। इस प्रोग्राम को आप कल परसों तक नहीं इंशाल्लाह बरसों तक याद रहेंगे। हजरत मोहतरम आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है, मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है। ये आरज़ू है कि मुझे वहां जाके मौत आए जहां पे सिर्फ गुंबद खजरा दिखाई देता है, जहां पे सिर्फ गुंबद खजरा दिखाई देता है। अच्छा आप हजरत के समझ में तो आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हम और आप जो हिंदुस्तानी मोबाइल चलाते हैं, अगर इसका नेटवर्क गांव देहात में खराब हो जाए तो लोग कहते हैं लोहे के टावर लगाए जाए, लोहे की मशीन लगाई जाए ताकि बात आसानी से हो सके। हजरत अल्लाह ने सीने में दिल दिया है, ये भी एक मोबाइल है। हिंदुस्तानी मोबाइल का नेटवर्क सही होता है तो दुनियादार से बात होती है। दिल जो मोबाइल है अगर इसका नेटवर्क सही हो जाए तो डायरेक्ट मदीने वाले ताजदार से बात होती है। आप कहेंगे ज़ुल्फ़िकार रज़ा संभलिए बताए कि हिंदुस्तानी मोबाइल का नेटवर्क खराब हो जाता है तो हम लोहे के टावर लगा लेते हैं, लोहे की मशीन लग जाती है ताकि बात आसानी से हो सके। इसका नेटवर्क कहाँ है मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ अल्लाह वालों के मज़ारात हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं, वहाँ वहाँ मोहब्बत रसूल के टावर गड़े हुए हैं। और जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों से होगा उनकी इश्क रसूल से बैटरी चार्ज होगी, उनके नेटवर्क हाजिर होंगे। पता कब चलेगा ज़ुल्फ़िकार रज़ा संभली या कोई मौलवी या कोई शायर कोई जुमला पढ़ेगा, उस जुमले को सुन के वो मचलेगा तो पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक अल्लाह वालों से है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाए रूम ने अपनी किताब मसनबी शरीफ में लिखा है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से इरशाद फरमाया, ऐ शहद की मक्खी तू शहद कैसे बनाती है? शहद की मक्खी अर्ज करने लगती, या रसूल अल्लाह हम चमन में जाते हैं, बागों में जाते हैं, बागों में जाने के बाद तरह तरह के फूलों का अर्क चूसते हैं, या रसूल अल्लाह वही शहद है? आका ने फरमाया, ऐ शहद की मक्खी फूलों के रस तो फीके होते हैं मगर शहद मीठा, और मिठास कहां से आती है? शहद की मक्खी अर्ज करने लगती है, या रसूल अल्लाह हम चमन में जाते हैं, बागों में जाते हैं, बागों में जाने के बाद तरह तरह के फूलों का अर्क चूसने के बाद, या रसूल अल्लाह जब हम अपने घर वापस लौटते हैं तो आप पर दरूद पाक पढ़ते हुए आते हैं, आप पर दरूद पाक पढ़ने की बरकत से शहद मीठा हो जाता है, शहद में लज्जत आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मुसलमानों को चाहिए कि शहद की मक्खी से दर्स इबरत हासिल करना चाहिए और यकीन कामिल रखना चाहिए। दरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारे इबादतों में भी
मकबूलियत की मिठास बशी इतनी पैदा हो जाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम खुशखबरी सुनिएगा, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा साहिब क़िबला रामपुरी रामपुर से तशरीफ ला चुके हैं। और हजरत मोहतरम हमारे दूसरे खतीब खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती इरशाद रजा मंजरी बरेली शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। और हजरत मोहतरम शायरी हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अय्यूब रजा अमरोही वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और शायरी हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सादिक रजा संभली वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और भी हमारे आप ही के मस्जिद के खतीब इमाम कारी साजिद रजा साहिब क़िबला और हजरत मोहतरम हमारे अजीज मोहम्मद हसन साहिब क़िबला ये तशरीफ फरमा है। आप हजरत उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करते रहे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ओ तौब के बोले सुभान अल्लाह। दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है ऐसे बेटे की बरकत कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। लीजिए हमारे कारी जनाब मोहतरम मोहम्मद हसन रजा माइक पर तशरीफ लाते हैं। हजरत मोहतरम आगे से पीछे तक दाई से बाई तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मोहम्मद हसन रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।